एक साल पहले लॉडरहिल में भारतीयों को अपने तूफानी तेवरों से अवगत कराने वाले इविन लेविस ने फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करके जोरदार सैकड़ा जड़ा, जिससे विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज रविवार को हुए एकमात्र टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 9 विकेट से हराने में सफल रहा। पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर कप्तान विराट कोहली 22 गेंदों पर 39 रन और शिखर धवन 12 गेंदों पर 23 रन ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों के 3 गेंदों के अंदर पवेलियन लौटने के बाद दिनेश कार्तर की 29 गेंदों पर 48 रन और ऋषभ पंत 35 गेंदों पर 38 रन ने तीसरे विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की। इससे भारत ने 6 विकेट पर 190 रन बनाए। लेविस ने 62 गेंदों पर नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें 6 चौकों के अलावा 12 गगनदाई छक्के शामिल थे। उन्होंने गेल 18 के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों पर 82 रन जोड़े और फिर सैमुअल्स नाबाद 36 के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 गेंदों पर 112 रन की अटूट साझेदारी की। उनकी इस धांसू पारी से वेस्ट इंडीज ने 18.3 ओवर में 1 विकेट पर 194 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारत का इस तरह से वेस्ट इंडीज का इस दौरे का अंत हार से हुआ, जिसमें उसने वनडे श्रृंखला 3-1 से जीती थी। लॉडरहिल में पिछले साल अगस्त में 49 गेंदों पर 100 रन बनाने वाले लेविस ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना दूसरा शतक बनाया और वेस्ट इंडीज की तरफ से टी20 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। यही नहीं, वह कैरेबियाई टीम की तरफ से एक पारी में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने।